शांति आज की तारीख है अठावीस दस तेरा और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बहुत ही प्यारा शीर्षक है ध्यान से सभी सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है सिखाने वाले को कहते हैं ना उस्ताद तो बाबा कहते तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है जिसका कोई चित्र नहीं जो हमारी तरह चैतन्य चित्र नहीं तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज, सुना सभी ने ध्यान से तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे प्रश्न है पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए आ, कितना भी हम मेहनत करें पुरुषार्थ करें लेकिन थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है उत्तर है पढ़ाई के बीच में ध्यान से सभी सुने नोट भी करें पढ़ाई के बीच में जो कभी भी निंदा स्तुति और मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे उसे एक खेल समझो तो थकावट कभी नहीं आएगी सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है कितने उस पर कलंक लगाए हैं फिर ऐसे कृष्ण को पूजते भी हैं तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है जब तक बाप पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ते रहना है गीत बजा है बहुत पुराना गीत है मैं चाहूंगी मैं आपको इसकी एक लाइन सुनाऊं बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे अच्छा अब आगे बढ़े धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कौन हाँ काम घेनु तो वो काम घेनु कौन है माँ जगदम्बा तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली काम घेनु बनना है दान देते रहना है नंबर दो है स्तुति निंदा में स्थिति कोई हमारी महिमा करे या कोई हमारी निंदा करे परंतु दोनों हालत में हमारी स्थिति जो है समान रखनी है ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है हमारा अपमान होगा हमारी निंदा होगी ऐसे नहीं हमारा तो या निंदा होती है अपमान ही होता रहता है हमको पढ़ाई नहीं चाहिए हम पढ़ाई को छोड़ दें इसे खेल समझकर पार करना है वरदान है सदा स्नेह और सहयोग के द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है हाँ उनको अपने आप वो टाइटल प्राप्त होता है ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी आप को हिला न सके ऐसी स्थिति बनाता है कोई भी रुकावट आपको फिर रोक न सके ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है रियल गोल्ड हैं बाप के आप साथी हैं तो वे बाप के कार्य को कौन जो सहयोगी साथी बच्चे हैं वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं सदा साथ रहते हैं इसलिए अविनाशी बन जाते हैं स्लोगन है पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यदि पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते Namaste Om Shanti